शिक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ के सभी छात्र छात्राओं, आपको पिछली कक्षाओं में आपके सिलेबस का ज्ञान कराते हुए काव्यखंड से शुरुआत की गई थी, जो आपके पाठ्यपुस्तक का क्रम है। लेकिन पिछले दिनों गद्य खंड की शुरुआत करते हुए हम लोगों ने गद्य खंड से पहला जो चैप्टर है, गद्य खंड के रूप में पहला जो चैप्टर है, जो पाठ संख्या 11 के रूप में आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, उसको स्थान मिला है। भक्ति महादेवी वर्मा की एक अत्यंत ही संस्मरणात्मक रेखाचित्र, जो काफ़ी प्रभावपूर्ण था, उसका अध्ययन हम लोगों ने किया था। चैप्टर नंबर 12 यानी गद्य खंड के दूसरे पाठ के रूप में चैप्टर नंबर 12 पे बाजार दर्शन नाम का पाठ आता है, जिसके लेखक हैं जयेंद्र कुमार। यानी आज हमें अपने गद्य खंड के दूसरे चैप्टर पाठ 12 बाजार दर्शन, जो रचनाकार हैं जयेंद्र कुमार, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे कथाकार के रूप में इनकी पहचान है। लेकिन बाजार दर्शन जो शीर्षक है, ये इनका एक वैचारिक निबंध है। चूंकि एक ऐसे साहित्यकार जयेंद्र कुमार रहे जिन्होंने कथा, उपन्यास यानी कहानी और उपन्यास के अलावा अच्छे निबंध भी लिखे और समसामयिक निबंध भी लिखे, जिसमें उनके वैचारिक जो निबंध हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और उसी वैचारिक निबंध का एक उदाहरण बाजार दर्शन के रूप में आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है, जिसे हमें और आपको पढ़ना है। लेकिन बाजार दर्शन शीर्षक के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें कहाँ ले जाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, या इस निबंध के माध्यम से हमें और समाज को क्या संदेश देने का प्रयास किया है, उससे पहले आपको जयेंद्र कुमार की संक्षिप्त जीवनी से परिचित होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं उनकी संक्षिप्त जीवनी, उनके बारे में जो मुख्य जानकारियां हैं वो आपके सामने रखते हैं, फिर बाजार दर्शन नामक शीर्षक का क्या अर्थ है और इस शीर्षक के माध्यम से, इस निबंध, वैचारिक निबंध के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर अनुच्छेद वाइज, पैराग्राफ वाइज, एक एक पैराग्राफ का रीडिंग करते हुए, वाचन करते हुए उसका व्याख्या और उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया जाएगा। जयेंद्र कुमार जो निबंधकार हैं इस बाजार दर्शन नामक वैचारिक निबंध के, ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज गांव में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज गांव है, उस गांव में 1905 ईस्वी में पैदा हुआ यह साहित्यकार, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के एक जैन गुरुकुल में हुई थी। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का रुख करना पड़ा और वहां जाकर के इन्होंने उच्च शिक्षा में अध्ययन करना, प्रवेश लेकर अध्ययन शुरू किया। लेकिन उस उन्हीं दिनों महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें युवा किस तरह से सहयोग कर रहे थे और उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कृत संकल्पित थे, एक युवा होने के नाते जयेंद्र कुमार भी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ करके उस असहयोग आंदोलन में कूद पड़ते हैं और देश की आज़ादी के लिए जहां तक हो सकता है अपना प्रयास करते हैं। वे गांधी जी के विचारों से, गांधी दर्शन से बहुत प्रभावित रहे और यही कारण रहा कि उनकी रचनाओं में भी गांधीवाद
यानी गांधी दर्शन का दर्शन होता है, गांधीवाद का दर्शन जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। सन 1990 में इनका देहांत हो गया। वैसे आपको बताया कि ये कैसे साहित्यकार थे जिन्होंने एक से बढ़कर एक अच्छी कहानियाँ, उसके बाद उपन्यास और निबंध, यानी गद्य की ये जो तीन विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी और निबंध जो मुख्य विधाएं हैं, इन तीनों विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और एक से बढ़कर एक रचनाएं समाज को दिए, हिंदी साहित्य को दिए। कहानी संग्रहों में इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं, एक रात, वातायन, दो चिड़िया, फांसी इनका एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, पाजे, नीलम देश की राजकन्या, ये उनके कहानी संग्रहों के नाम और उन पुस्तकों के नाम हैं जिसमें इनकी कहानियों को संकलित किया गया है। जबकि उपन्यास जो प्रमुख उपन्यास है, इसके अलावा भी उनके उपन्यास हैं लेकिन जो प्रमुख उपन्यास है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, सुनीता। सुनीता जैनेन्द्र कुमार का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। कल्याणी, परख, अनाम स्वामी, त्यागपत्र, जयवर्धन और मुक्तिबोध। मुक्तिबोध तो इनका एक ऐसा उपन्यास है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनके जो प्रमुख निबंध हैं, जयनेन्द्र के विचार नाम से संकलित है, प्रस्तुत प्रश्न ये निबंध संग्रहों के नाम हम आपको बता रहे हैं, जड़ की बात, पूर्वोदय, समय और हम, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, ये सब इनके उन निबंध संग्रहों के नाम हैं जिसमें इनके दुनिया भर के निबंधों का संकलन किया गया है, अलग अलग वैचारिक निबंधों को अलग, साहित्यिक निबंधों को अलग। तो जिस भी तरह के निबंध इन्होंने लिखे उसको अलग अलग संकलित किया गया है। और अभी आपको जो निबंध पढ़ना है बाजार दर्शन, ये एक वैचारिक निबंध है जिस पर बाजार का क्या प्रभाव है आज समाज पर, एक तरह से कहा जाए उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, जो बाजारों के भरण पोषण का माध्यम बनती है, उसका क्या दुष्प्रभाव है, इन सारी बातों पर विचार प्रस्तुत किया है उन्होंने। जैनेन्द्र जी को इनके मुक्तिबोध जो उपन्यास है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको भारत भारती पुरस्कार से और भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। तो ये इनकी रचनाओं की प्रसिद्धि ही है जो इनको इतने तरह के सम्मानों से नवाजा गया। वैसे हिंदी में मुंशी प्रेमचंद का नाम सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में, सर्वश्रेष्ठ कथाकार के रूप में और उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो विश्व के सबसे बड़े कहानीकार, सबसे सर्वप्रमुख कहानीकारों में उनकी चर्चा होती है। लेकिन हिंदी साहित्य की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार का नाम मुंशी प्रेमचंद की ही कथा प्रणाली के अंतर्गत आता है। और मुंशी प्रेमचंद के बाद यदि अच्छे से अच्छे कहानियों और उपन्यासों को देने का काम किया वो जैनेन्द्र कुमार थे। तो प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है और इनका जो अवदान है हिंदी साहित्य के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा सरिता का प्रवर्तन किया है। कथाकार होने के साथ साथ इनकी पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है, जिसके वजह से एक से बढ़कर एक निबंध इनके जो है देखने को मिलते हैं। वैसे इनकी रचनाओं में गांधीवाद हर जगह देखने को, गांधी दर्शन का प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। आइए चलते हैं अपने शीर्षक की तरफ जिसका नाम है बाजार दर्शन। तो बाजार दर्शन के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है, मूल रूप से आप जाने बाजार दर्शन का मतलब है बाजार को देखने। लेकिन ये निबंध जो है बाजार के प्रभाव को दिखाने का प्रयास किया है इस निबंध के माध्यम से लेखक ने। लेखक ने बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग तीनों का
बहुत ही सुंदर चित्रण अपने इस निबंध के माध्यम से करने का प्रयास किया है, और उसके माध्यम से लेखक ने, निबंधकार ने दिखाने का प्रयास किया है कि बाजार मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बाजार मानव सभ्यता के लिए जरूरी है, लेकिन बाजार का उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, ये तीन रूप देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म होता है और महंगाई से लेकर मिलावटखोरी तक और तमाम तरह की जो समाज में अशांति फैली हुई है, उसका एक मूल कारण लेखक बाजार को भी मानता है। क्योंकि लेखक का मानना है बाजार इस कदर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है कि बहुत सारे लोग आवश्यकता न होने पर भी उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए भी बाजार का उपयोग करने लगते हैं, तो वो उपयोग नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग कहलाएगा। और लेखक ने अपनी इन बातों को, बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, इन तीनों बातों को तीन उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है, दिखाने का प्रयास किया है। लेखक अपने एक मित्र की चर्चा करता है जो बाजार किसी जरूरी चीज के लिए, किसी जरूरी चीज की खरीदारी के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो बाजार से दौड़ते हैं तो कई भरे हुए झोले उनके पास हैं, और लेखक के द्वारा यह पूछने पर कि तुम तो एक जरूरी चीज के लिए गए थे, लेकिन ये इतने सारे सामानों की खरीदारी, इसका कारण क्या है? तो जैसा कि हर लोग औरतों के ऊपर इसका तोहमत जड़ देते हैं, उनकी पत्नी भी साथ थी और उन्होंने सीधे सीधे अपनी पत्नी को इंगित करके ये दिखा दिया कि ये जो भी आवश्यकता से अधिक सामानों की खरीदारी है वो सब इनके वजह से हुई है या पत्नी के कहने से, जो कि अनावश्यक है। लेखक यही दिखाना चाहता है कि लोग दिखावे के लिए भी आवश्यकता से अधिक खरीदारियां कर लिया करते हैं, जो उनके परेशानी का कारण होता है। कई बार लोगों का बजट बिगड़ जाता है, आगे उनकी जरूरी चीजें, जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। दूसरा उदाहरण लेखक अपने एक दूसरे मित्र का देता है और यहाँ ये दिखाता है कि वह मित्र जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए बाजार तो जाता है, लेकिन पूरे बाजार का भ्रमण करके वो खाली हाथ वापस लौट रहा था। कारण यह है कि उसके पास पैसे कम हैं और वह बाजार में गया तो है, लेकिन बाजार में इतना आकर्षण है, बाजार की चीजें उसको इतनी आकर्षित करती हैं कि सबको खरीद पाना संभव नहीं है, उतना उसके पास मनी पावर नहीं है, और इसके वजह से वह निराश होकर के खाली हाथ लौट रहा था। लेकिन लेखक एक तीसरे व्यक्तित्व का चित्रण करता है जो उसके पड़ोस में रहने वाले एक भगत जी हैं, जिनके ऊपर बाजार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और जो बाजार की हर वस्तु को देखकर प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन किसी के प्रति आकृष्ट होकर के और अनावश्यक खर्च में नहीं पड़ते, बल्कि वो अपनी सीमा जानते हैं, अपनी लिमिट जानते हैं, और वह जिस काम के लिए जाते हैं बाजार के मुख्य आकर्षण वाले भाग से होकर जाते हैं, चारों ओर निगाहें डालते हैं, खुश होते हैं, लेकिन सीधे पंसारी की दुकान की तरफ चले जाते हैं जहाँ जड़ी बूटियाँ और अन्य चीज़ें बेची जाती हैं, मिलती हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसे खरीदते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं। तो लेखक ये दिखाना चाहता है कि बाजार तो आकर्षण से भरा हुआ है, लेकिन हमारा दायित्व तो क्या है, हमारा फर्ज क्या है कि हम अपनी आवश्यकता को समझें, हम अपनी लिमिट को समझें और उसके अनुसार बाजार में
जा करके अपनी जरूरत की उन चीजों को ग्रहण करके पुनः आ जाओ, क्योंकि बाजार तो इतना आकर्षण से भरा हुआ है कि वहां जाने के बाद उस आकर्षण में फंसना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव बात नहीं है। बहुत ही जो वैरागी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, बहुत ही जो इस तरह का आत्मविश्वासी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा जिसके ऊपर बाजार का बहुत सारा प्रभाव न पड़े, नहीं तो अधिक से अधिक लोग बाजार के आकर्षण में फंस जाते हैं। और लेखक दिखाना चाहता है कि आज समाज में जो अशांति है, दिखावे की प्रवृत्ति है, ये उपभोक्तावादी संस्कृति को, बाजारों के आकर्षण के कारण उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म देती है, और उपभोक्तावादी संस्कृति निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए बाजारों के का दुरुपयोग न करते हुए उनका सदुपयोग करना चाहिए, और हमें अपने जरूरत की चीज़ों तक ही बाजारों का उपयोग सीमित रूप में करना चाहिए। तो उससे हम हमारी बजट व्यवस्था भी बनी रहेगी, हम व्यर्थ के आकर्षणों में नहीं पड़ेंगे, और जो लोग अपने को रोक नहीं पाते या दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करते हैं या अधिक पैसा होने के कारण, मनी पावर होने के कारण बाजारों का दुरुपयोग करते हैं, तो ये समाज के लिए हानिकारक होता है और स्वयं के लिए भी हानिकारक होता है। लेखक यही दिखाना चाहता है। मूल रूप में बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी का महत्वपूर्ण वैचारिक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने अर्थशास्त्र की प्रमुख धारणा बाजार का यथार्थ रूप दिखाकर उसकी सार्थकता पर सवाल उठाया है। लेखक ने अपने परिचितों तथा मित्रों से जुड़े अनुभव के आधार पर स्पष्ट किया है कि बाजार की जादुई ताकत व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है। उसमें एक ऐसा आकर्षण होता है जो व्यक्ति को अपने आकर्षण में बांध लेती है, अपना गुलाम बनाने का प्रयास करती है। बाजार के आकर्षण ऐसा होता है। बाजार की सार्थकता वस्तुओं और आवश्यकताओं के आदान प्रदान में है, लेकिन बाजार की चमक दमक में फंस कर व्यक्ति फिजूल खर्ची करके अनावश्यक और दिखावे की वस्तुओं के संग्रह में लग जाता है। यह उसका हानिकारक प्रभाव है। यदि व्यक्ति भगत जी की तरह अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदने बाजार जाए तो वह बाजार को और बाजार उसको लाभ पहुंचा सकता है, तभी बाजार दर्शन का अपना कोई महत्व है, सार्थकता प्रदान कर सकता है, अन्यथा बाजार अर्थशास्त्र को एक अनीति शास्त्र बनाकर रख देगा। यानी हमारे धन का, हमारे मनी पावर का, हमारे पॉकेट मनी का दुरुपयोग बाजारों में होना स्वाभाविक है। निबंध की इसी मूल भावना को लेखक ने किस्सा गोई और दार्शनिक अंदाज में स्पष्ट करने का प्रयास किया। यानी कुल मिला जुला के बाजार दर्शन निबंध के माध्यम से लेखक बाजारों के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग को बहुत ही अच्छे उदाहरण के माध्यम से और दार्शनिक अंदाज में हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए दिखाने का प्रयास किया है कि बाजारों की जो चकाचौंध है, बाजारों का जो आकर्षण है, वह इतना प्रभावी होता है कि उस सहज रूप में वह लोगों को अपना गुलाम बना लेता है, अपने आकर्षण में बांध लेता है, और यहीं से उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म होता है, उपभोक्तावादी संस्कृति पैदा होती है, और उपभोक्तावादी संस्कृति किसी भी रूप में हमारे देश और समाज के लिए लाभदायक नहीं कही जा सकती। वह संस्कृति निश्चित रूप से हमारे समाज को अशांति की ओर ले जाती है, तमाम तरह के गलत चीज़ों की ओर ले जाती है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण समाज में या बाजार में मिलावटखोरी और महंगाई इत्यादि जो प्रमुख समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। तो यदि हम बाजार का सम्यक रूप से उपयोग करें, आवश्यकता अनुसार सीमित रूप में उसका उपयोग करें, तो निश्चित रूप से बाजार हमारे जीवन के लिए लाभदायक और सदुपयोगी हो सकते हैं। लेकिन जब हम बाजार के आकर्षण में फंस करके उसके दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, तो हम अपने लिए, समाज के लिए तमाम तरह की समस्याओं को पैदा कर देते हैं, जन्म दे देते हैं।
तो ये मूल भाव है इस निबंध का। अब अगले कक्षा में हम एक एक पैराग्राफ का वाचन करते हुए उसके व्याख्या और अर्थ को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।